जब भी ये तीन पेयर मिले, अब पहली बात तो कहां मिले, ये तीनों पेयर आपको कंक्लूजन में लिखे हुए मिले, ये तीनों पेयर आपको कंक्लूजन में लिखे हुए मिले, मतलब सम नो, सम सम नॉट, ऑल सम नॉट, मतलब कि ये तीनों जोड़े जहां भी मिल गए ना, तो उस केस में आपका 99% जो है वो क्या होगा, आइदर ओर का आंसर होगा, आइदर ओर का आंसर होगा। बट ध्यान क्या रखना है, उस कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और ये तीन जोड़े कहीं भी मिल जाएं, कहां, कंक्लूजन में, तो आपका आंसर आइदर ओर होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि कंक्लूजन में ऐसा लिखा मिल जाए सम ए आर बी, और एक जगह पे लिखा मिल जाए नो ए इज बी, तो आप देखो सम है नो है, यहां भी ए है यहां भी ए है यहां भी बी है यहां भी बी है, कहने का मतलब सम और नो का पेयर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम, यहां सम लिखा है यहां सम नोट लिख दे, यहां ऑल लिखा है यहां सम नोट लिख दे, मतलब ये तीनों जोड़े आपको जहां भी मिले कंक्लूजन में, तो आपका आंसर क्या होगा, आइदर और, जब तक आपको कोई चीज श्योर नहीं हो जाती, मतलब कि अगर आपको कंफ्यूजन है आपको डाउट है और ये जोड़े पड़े हैं ना, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आइदर और, उन दो कंक्लूजन में जिन कंक्लूजन में ये दोनों जोड़े मिल रहे हैं।